हर शुक्रवार को आपकी ये हेमा जो है व्रत रखती है, फास्ट रखती है। अब ये कौन सा व्रत है जो हेमा जी रखती है वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो भाई दोस्तों, हाल चाल तो बढ़िया ही रहना चाहिए, जैसे ये आप सबके हेमा शर्मा कहती है। तो भाई आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हेमा की कहानी। तो दोस्तों आज है शुक्रवार। जी हाँ, तो शुक्रवार मेरे लिए बहुत खास होता है क्योंकि मैं शुक्रवार को अपना लकी डे मानती हूँ, क्योंकि मैं पैदा भी शुक्रवार के दिन हुई थी। तो दोस्तों मैं आज आपको एक खास रिवील, जो मेरा सीक्रेट है वो रिवील करना चाहती हूँ कि एवरी शुक्रवार मतलब हर शुक्रवार को आपकी ये हेमा जो है व्रत रखती है, फास्ट रखती है। अब ये कौन सा व्रत है जो हेमा जी रखती है वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल की वीडियो पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं भर भर के, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत सारे लड़कियाँ औरतों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हैं। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी, जिस पर्पज से वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँची और मैं कामयाब रही। बहुत सारी औरतों को एक हिम्मत मिली है, बहुत सारे औरतों के यही मैसेज है कि हेमा जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो, मुझ में बहुत एनर्जी आई है और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ। लेकिन एक दो कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप बहुत सेल्फिश किस्म की लेडी हैं, अपने बच्चे को उधर रखती हैं, अपने हस्बैंड को उधर रखती हैं और आप अपने बारे में ज्यादा सोचती हैं। लेकिन ये जो मैं जवाब देने वाली हूँ ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि हेमा जी आप अकेले क्यों रहती हैं, या बेटा आपने उधर छोड़ दिया या हस्बैंड उधर छोड़ दिया। तो दोस्तों, मेरी प्यारी सहेली और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर आज मुंबई शहर में रह रही हूँ तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरे हस्बैंड की जो है मर्जी होगी, है ना। अकेले तो मैं रह नहीं सकती, और अगर अकेले अपनी मर्जी से रहती तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते। दूसरी बात, आज मेरा बेटा मेरी बहन के घर पे रह रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे बेटे की भी मर्जी होगी। अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो आज मेरा बेटा भी मेरे बहन के घर पे नहीं होता, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहुत कम शब्दों में आप पूरी स्टोरी समझ गए हो कि कोई भी इंसान अगर कुछ कर रहा होता है तो उसके फैमिली वाले उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे होते हैं, इसलिए वो अकेला या जो भी काम कर रहा होता है। तो ये जो जवाब था स्पेशली उन लोगों के लिए था जिनके मुझे एक दो कमेंट्स आए कि आप बहुत सेल्फिश लेडी हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, बच्चे को उधर छोड़ दिया, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप क्या करियर करती रहती हैं, आप सिर्फ पूरे दिन में एक ही तो वीडियो डालती हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जवाब जो है उनके लिए है जिनको लगता है कि हेमा जी आप मुंबई में रह के कर क्या रही हैं, यूट्यूब चैनल तो आप कहीं पर भी चला सकती हैं, यूट्यूब चैनल तो आप युगांडा में भी चला सकती हैं, आपकी बात में दम है। लेकिन मैंने YouTube चैनल युगांडा में जब थी तभी स्टार्ट किया था और वहां पर इंटरनेट बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई। लेकिन साथ ही साथ मैं जब मुंबई शहर में आई, मैं एक आर्टिस्ट भी रही हूँ यूट्यूबर से पहले, तो दोस्तों हमारी फिल्म नगरी जो होती है उसमें रातों रात काम नहीं मिलता है। तो ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के अलावा भी मैं मीटिंग्स में जाती हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिलती हूँ, मैं डायरेक्टर से मिलती हूँ, जो आप लोगों को नहीं पता होता है। आप लोगों को मैं बहुत ही हल्की फुल्की अपनी लाइफ की जो है बातें शेयर करती हूँ। अगर मैं जिस दिन आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक मेरी लाइफ कैसे होती है, ये जो मेरे पास जो ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इसी को रात दिन में घुमाती रहती हूँ कि अब मुझे किससे मिलना चाहिए, अब मुझे किसके पास जाना चाहिए, अब मुझे किस डायरेक्टर से या अब मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर से बात करनी चाहिए। तो ये होता है मेरे पूरे दिन का स्ट्रगल, जो बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि जब मैं कोई काम करूंगी तो आप लोगों को दिखेगा हाँ हेमा जी ने काम किया, लेकिन वो काम जो आप लोगों को दिखेगा वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए आपको जाना पड़ता है, ऑडिशन देना पड़ता है, 4 नहीं 10 बार मीटिंग करनी पड़ती है। ये यूट्यूब नहीं है कि आपने अपने मोबाइल से वीडियो अपलोड कर दी एक ही बार में और जो है आप लोगों तक पहुंच गई, नहीं। तो आप स्क्रीन पे जब आप नजर आते हो तो उसके पीछे बहुत लंबी जर्नी होती है, और मेरी जर्नी में तो बीच में 2 साल का गैप आया है, तो मेरे लिए ये वापस से जीरो से स्टार्ट करना है। जिन लोगों को मैं जानती थी उन लोगों को वापस ये बताना है कि भाई आपकी हेमा जो है वापस से मुंबई में आ गई है, सो प्लीज मुझे आप याद रखें और मुझे आप बुलाएं। तो ये मेरे जो है करियर का जो है, जो बोलते हैं ना कि आप पूरे दिन में क्या करती हैं, एक वीडियो तो अपलोड करती हैं, तो ये उसके अलावा जो मेरी पूरे दिन की जर्नी होती है वो मैं आज आप लोगों को बहुत कम शब्दों में मैंने बताया है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन सा व्रत है जो हेमा जी करती हैं। तो दोस्तों ये जो व्रत है ये 2015 से मैं करती हूँ, जिसका नाम है वैभव लक्ष्मी माता। जी हाँ, मुझे ऐसे ही किसी ने बताया था। और जो है जब मेरी जिंदगी में सबसे बुरा ये कहिए सबसे ज्यादा कठिन समय जब चल रहा था, तब मैंने ये व्रत करना शुरू किया था। और दोस्तों मेरा यकीन कीजिए, 6 महीने के अंदर ही मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया था उसको मैं अभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तो इस व्रत की मैं बहुत ज्यादा बहुत मानती हूँ। और मैं ये 2015 से और आज 2023 चल रही है, मैं इसको हमेशा करती हूँ। और 11 या 21 ज्यादातर 11 में करती हूँ, और 11 शुक्रवार कंप्लीट होने के बाद मैं उद्यापन करती हूँ। तो लक्ष्मी जी का जो है साथ और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता है, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ। तो दोस्तों अब ये भी मुझे कमेंट आया कि हिमा जी आपने वादा किया था कि आप अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगी गौरव जी के साथ, आप कहाँ मिले कैसे मिले। मुझे हर वादे याद है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला भी है कि भाई जो है मैं थोड़ी सी इसलिए भी उदास हूँ कि मैंने बहुत सारे वादे किए थे आप लोगों से कि मिलूंगी या मैं अपनी लव स्टोरी शेयर करूंगी, गौरव जी मेरे चैनल पे आएंगे, लेकिन वो उसमें से कोई भी चीज नहीं हो सकी। इसलिए मैं खुद भी जो है थोड़ी सी जो मेरा जो मोरल था या जो मेरी कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई। तो मुझे खुद याद है कि मैंने क्या कहा था, है ना, क्योंकि जो कहता है उसको सबसे ज्यादा याद रहता है। तो काश गौरव जी मेरे साथ रहते। मैंने ये अपना YouTube चैनल अकेले चलाया है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को रात दिन YouTube में दिखाते रहते हैं, चाहे सास ससुर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, है ना। लेकिन चूंकि मेरा चैनल का नाम ही हेमा की कहानी है, तो इसलिए, और मेरे पास ज्यादातर कोई फैमिली वाले नहीं रहते हैं, अब आप इसको नसीब वाली बोल सकते हैं या आपके मन में जो आता है वो कह सकते हैं, इसमें आपको खुली छूट है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी अपनी लव स्टोरी शेयर करूँ डेफिनेटली गौरव जी साथ में होने चाहिए। अगर मैं अकेले बता दूँ कि भाई हम कब मिले थे, कहाँ बात हुई थी, क्या हुई थी, है ना, तो उस बात में दम नहीं रह जाएगा। लेकिन आज की ये वीडियो में ये बता देती हूँ कि कल 8 जुलाई जो बहुत खास है, 8 जुलाई को जो है सबसे पहले गौरव का मेरा जो है मैसेज में बात हुई थी। तो चलिए आज मैं ये बता देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि कल मैं आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो लेकर आऊंगी। और आसान नहीं होता है, अगर आप लोगों को ये कहना बड़ा आसान होता होगा कि यार मैं कितनी सेल्फिश लड़की है, अकेले मुंबई में रह रही है और ऐश कर रही है और बच्चे को उधर छोड़ दिया, हस्बैंड को उधर छोड़ दिया, कभी एक बार मेरे पास आके मुझसे बैठ के पूछेगा। दोस्तों ना ही आसान यश के लिए होगा, ना ही आसान मेरे लिए, और ना ही आसान होगा गौरव के लिए, है ना। तो कहना बड़ा आसान होता है, जो जी रहा होता है उसके दिल से पूछ के देखिए। लेकिन मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है कि हम तीनों जो जगह जगह बटे हुए हैं, डेफिनेटली ऊपर वाले ने हमारे लाइफ में बहुत कमाल और धमाल लिखा होगा, है ना, क्योंकि सबके जीवन में इस तरीके की जर्नी नहीं चलती है। तो हम साधारण नहीं है, वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, हमको ऊपर वाले ने एक अलग ब्लेसिंग दी है, इसलिए हम अलग अलग तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। अगर मैं भी नॉर्मल सी होती तो आप लोग थोड़ी ना मुझे सुनते। तो मुझे कैसा लगता होगा कि अरे यार क्या जिंदगी है मेरी। लेकिन कहीं ना कहीं गौरव भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरा बेटा जो है यश, वो भी, उसको भी मेरे से कोई दिक्कत नहीं, वो भी बोलता है नहीं मम्मा आप कीजिए, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं एवरीडे उससे बात करती हूँ। तो आज के दिन स्पेशली मैं जो मेरे हस्बैंड है उनको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए हमको, और 2 साल में जो है ऐसी ऐसी चीजें हुई है जो बहुत ही कम लोगों के साथ होती है। अगर मैं बात करूँ तो 100 में से 10 लोगों के साथ होती है दोस्तों ऐसी बातें। और साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कल एक दो जो औरतें हैं जो 50 के आसपास की, उनका एक मैसेज आया था, मैंने बात की थी। तो ये है मैसेज आपके लिए कि आप अपना चैनल ग्रो करना चाहती हो और आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक ही बात बोलूंगी कि आपकी उम्र क्या है उसी हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए, है ना। अक्सर बोलते हैं ना कि उम्र से बड़ी बातें करते हो यार, लेकिन उम्र इतनी हो गई लेकिन छोटी बातें करते हो यार। तो हमेशा आपकी उम्र क्या है उसके हिसाब से आप बिहेव करें, अपनी वीडियोस की कंटेंट ऐसे रखें। तो अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है तो मैं तो ये कहूंगी कि आप कि जीवन में जो जो आपने सीखा है,
आपसे जो छोटे हैं उनको आप सलाह दें अपने YouTube चैनल से कि बच्चों आप ऐसा ना करना, ये बात मुझे अभी उम्र में आके समझी, बच्चों आप ये चीज मत खाना, है ना, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, मैं ऐसे नहीं मानती थी इसलिए मुझे ये नुकसान हुआ। तो मेरी तरफ से बस ये छोटी सी सलाह है कि आप की जो उम्र है उसी हिसाब से आप अपने YouTube चैनल पे जो है कंटेंट डालें, लोगों को जो है वीडियोस पहुंचाएं, है ना, क्योंकि सभी चैनल पे अगर सेम वीडियोस होंगे तो कोई भी आपका चैनल क्यों देखे, है ना। तो आप उसमें थोड़ी सी सलाह दें, आप उसमें नसीहत दें, आप उसमें लोगों को ये समझाएं कि भाई जो है उम्र कुछ भी हो लेकिन अपना ख्याल रखें, फिट रहें और अच्छा खाएं और लोगों की मदद करें। तो अच्छी अच्छी वीडियोस आप बनाइए, डेफिनेटली मेरा यकीन कीजिए आपको ना मेरी जरूरत पड़ेगी ना किसी दूसरी हेमा की जरूरत पड़ेगी, एंड आई एम श्योर आप मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा कर रही होंगी। तो आज की ये एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों के जवाब दे दिए हैं दोस्तों। तो अगर ये मेरा जो मैं व्रत करती हूँ, अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप प्लीज व्रत करना शुरू कर दीजिए और फिर उसका चमत्कार देखिए, है ना दोस्तों। तो इतना आसान नहीं है मेरी जिंदगी, मैसेज करना कमेंट्स करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहती हूँ जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं उनको बहुत प्यार, लेकिन जो लोग मुझे नफरत करते हैं उनको और भी ज्यादा प्यार। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जो आपके पास है उसको आप बहुत प्यार दीजिए, मेरे पास नहीं है मुझसे पूछ के देखिए कि हेमा जी कैसा लगता है, कभी ना कभी तो जरूर बता दूंगी। और मेरे सारे वादे मुझे याद है ये ना सोचिएगा, क्योंकि कहा मैंने ही था तो मुझे याद कैसे नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और जो दिल में आता है, जो दिल में आता है मतलब अच्छा जो भी मन में आता है उसको करने के लिए कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, क्योंकि जो कल था वो भी किसी का नहीं होता है। तो आज ही है, जो भी है एंजॉय करो दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।